नीतीश कुमार का ही खेला है, खेला चलने वाला नहीं है। ना अपील, ना दलील, ना वकील, और सीधे फैसला करने की कर रहे हैं, और सीधे आप पर कार्रवाई होगी। उस कानून के विरोध में हम प्रदर्शन करने पे, जितनी बहाली हमको नियमित करने के मुद्दे पर, उन सब मुद्दों से हमारी सरकार को घेरने का काम करेंगे। ये जो काला कानून है, बिना रेंट के जो है धर पकड़ करने वाला, हम लोग कह रहे हैं कि हमारे जो ताकि गरीब गुरबा का राहत की सांस ले सके। लोकतंत्र की हत्या है, मानवाधिकार के हनन का ये कानून है। इसे, इस विधेयक को लाने से पहले इसे प्रवर समिति में भेजा जाए, जनमत संग्रह ग्रहण करे। नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं वंदना। पुलिसिया कानून को वापस लेने के लिए तमाम विपक्ष के नेता जो हैं वो बिहार विधानसभा सदन में के बाहर वो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। आप तस्वीर देखिए कि किस प्रकार तमाम जो विधायक हैं वो यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं और हाथ में तख्ती लिए हुए हैं कि हिटलर शाही, नीतीश की यही पुकार बिहार पुलिस की नहीं है कोई वजूदार। तो ऐसे तख्ती को लेकर के तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। नई पुलिसिया कानून के जन्मदाता नीतीश कुमार की यही पुकार, अब नहीं बचेगा बिहार के किसी जनता का परिवार। नई पुलिसिया कानून के जन्मदाता नीतीश कुमार की यही पुकार, नहीं बचेगा बिहार। तमाम तख्ती को लेकर के जो है वो विपक्ष के नेता जो है वो सरकार पर हमलावर हैं। तो तस्वीरें सीधे आप देख रहे हैं, बिहार विधान मंडल का बजट सत्र शुरू है और अब दो ही दिन बचे हैं। ऐसे में जो बजट सत्र की कार्रवाई है वो अब किस प्रकार जो है वो सदन में चलेगी वो तो आने वाला समय ही तय करेगा। लेकिन उससे पहले की तस्वीरें जहां आप सदन के बाहर आप देख सकते हैं कि इसमें तमाम, चाहे वो लेफ्ट पार्टी हो या फिर कांग्रेस की पार्टी हो या फिर राजद की पार्टी हो, तो तमाम लेफ्ट पार्टियाँ इसमें शामिल है और हाथ में तख्ती लेकर के नीतीश कुमार के खिलाफ ये लोग नारेबाजी कर रहे हैं। और इन लोगों का कहना है कि आप लोग जो कानून लाए हैं उसे वापस आप लोगों को लेना ही होगा। क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे? जिस तरह से नीतीश सरकार ने ये काला कानून लाया है और बिहार में और रॉलेट एक्ट जो काला कानून उसको लागू करने की कोशिश कर रहे हैं, ना अपील, ना दलील, ना वकील, और सीधे फैसला करने की कर रहे हैं, और सीधे आप पर कार्रवाई होगी। उस कानून के विरोध में हम प्रदर्शन करने और पुरजोर हम विरोध करते हैं उस कानून का। आज किस प्रकार की सदन की कार्रवाई चल सकती है, क्योंकि राजद की तरफ से, आप लोग की तरफ से घेराव भी होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बेरोजगारी के मुद्दे पर, सरकार की जो शिक्षकों के मुद्दे पर, कॉन्ट्रैक्ट पे जितनी बहाली हमको नियमित करने के मुद्दे पर, उन सब मुद्दों से हमारी सरकार को घेरने का काम करेंगे। क्या कहेंगे, किस चीज को लेकर के आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? कह रहा है कि नया कानून लगा है, काला कानून लाया है। हम लोग मांग कर रहे हैं कि आपस करने, ऐसा नहीं चलेगा तो नहीं चलेगा। मैडम क्या कहेंगे, ये जो काला कानून है, बिना रेंट के जो है धर पकड़ करने वाला, हम लोग कह रहे हैं कि हमारे जो ताकि गरीब गुरबा का राहत की सांस ले सके। सर क्या कहना चाहेंगे? चाहेगा क्या, ये काला कानून लिया है तो आपस नहीं लगे, कल हम लोग विधानसभा नहीं चलने देंगे। नीतीश कुमार का ही खेला है, खेला चलने वाला नहीं है। आज विधानसभा का घेराव भी होने वाला है सर? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। जो पुलिस बिल काला कानून लाया गया है उसके खिलाफ सदन से बाहर और सदन के अंदर भी ये किया जाएगा। किसी भी हालत में माननीय नीतीश कुमार जी को ये बिल वापस लेना होगा। सर क्या कहेंगे आज आप लोग के लिए? आज सदन हम लोग चलने नहीं देंगे जब तक बिहार पुलिस सशस्त्र विधेयक वापस नहीं होगा, तब तक जो है सदन को चलने नहीं दिया जाएगा। ये लोकतंत्र की हत्या है, मानवाधिकार के हनन का ये कानून है। इसे, इस विधेयक को लाने से पहले इसे प्रवर समिति में भेजा जाए, जनमत संग्रह ग्रहण करे। और सबसे बड़ी बात है कि लोकतंत्र की आवाज़ को दबाने की साजिश हो रही है, पुलिस राज में तब्दील करना चाहती है नीतीश सरकार बिहार को। आप देख वीडियो के माध्यम से कि यहाँ पे किस प्रकार है, तो बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक 2021 वापस लो, यानी कि जो विधेयक जो पास होने वाली है उसको वापस लेने की मांग को लेकर के तमाम विपक्ष दल जो है वो सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ जो है वो नारेबाजी कर रहे हैं। तो ऐसे में ये आज के लिए बहुत ही बड़ी चुनौती सरकार के लिए बनती दिख रही है, क्योंकि तमाम जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं जो है वो आक्रोश दिखाई पड़ रहा है। ऐसे में सरकार के लिए ये बहुत ही गंभीर स्थिति बन चुकी है, क्योंकि अब विपक्ष ने अपने तरफ से तो पूरी तरह से कमर कस ली है। अब देखने वाली बात रहे।
रहेगी कि आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बिहार विधानसभा का घेराव भी करने वाले हैं, तो किस प्रकार जो है वो इसका असर बिहार में देखने को मिलता है।